नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 23 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब इस रास्ते से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा बिहार। बीटीआर में अब कर सकेंगे विदेशी गेंडे का दीदार। बिहार के इन ट्रेनों में अभी भी लगेगा अधिक किराया। अगले महीने 15,000 मजदूरों को मिलेगा रोजगार। मौसम बदलते ही प्रवासी पक्षियों को रास आया पटना। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब इस रास्ते से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा बिहार। जल्द ही बलिया के रास्ते बिहार को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी मिलेगी। इसको लेकर NHAI ने अपना आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद अब बिहार को यह कनेक्टिविटी मिलने से दिल्ली जाने से पहले की तुलना में काफी कम समय लगेगा। हैदरिया से ये मिलनी थी और कनेक्टिविटी पर बात नहीं बनी थी। अब तक ये योजना थी कि पटना बक्सर फोरलेन को गंगा पर बने पुल के पार यूपी छोड़ से हैदरिया के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। हालांकि इसको लेकर एक कंसल्टेंट तय किया गया था। NHAI सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब उससे काम वापस लिया जा रहा है। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। उस समय यह पूर्णिया जिले में था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। रेणु जी का बिहार के कटिहार से गहरा संबंध रहा है। फणीश्वर नाथ रेणु एक हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनके पहले उपन्यास मैलांचल को बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनकी लेखन शैली वर्णात्मक थी, जिसमें पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया होता था। पात्रों का चित्रण निर्माण काफी तेजी से होता था, क्योंकि पात्र एक सामान्य सरल मानव मन के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। नियोजित शिक्षकों ने बढ़ाई नीतीश सरकार की मुश्किलें। नियोजित शिक्षक और सरकार के बीच में आए दिन अपनी मांग को लेकर मुखर होते हुए स्थिति नजर आती है। ऐसे में एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि नियोजित शिक्षकों ने एक बार फिर से मैट्रिक और इंटर परीक्षा से पहले कार्य बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है, जिससे नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बता दें कि शिक्षकों का कहना है कि वेतन की राशि नहीं मिली और न ही एरियल का भुगतान हुआ है। इन मांगों को लेकर बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ ने जिलाध्यक्षों के साथ बैठक भी की है। शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से होने वाली है। हालांकि इस सत्र को लेकर अभी से ही बिहार में तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके तहत ही बीते दिन विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री श्रवण कुमार और सभी दलों के नेता मौजूद रहे। हालांकि यह सत्र मात्र 5 दिनों का है, लेकिन इसको लेकर तैयारियां अभी से ही तेज है। इसी के तहत आयोजित बैठक में समितियों की क्या भूमिका होगी, उस पर चर्चा हुई और बेहतर ढंग से सत्र चलाया जाए, इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा सभी से सुझाव भी लेते देखे गए। जानकारों की माने तो सत्र के दौरान इस बार सदन में जोरदार हंगामे के पूरे आसार बन रहे हैं। बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नालंदा जिले में स्थित पावापुरी बिहार के धार्मिक स्थलों में शामिल है और जैन धर्म वालों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यहाँ भगवान महावीर को 500 ईसा पूर्व में दफनाया गया था और इस स्थान को अपापुरी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर पटना से लगभग 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पावापुरी का जल मंदिर पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है और यहाँ का मुख्य मंदिर भी है। यहाँ पर भगवान महावीर का दाह संस्कार हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनके दाह संस्कार में इतने लोग एकत्रित हुए थे कि राख उठाते उठाते मिट्टी उठाने लगे। इससे एक छोटे तालाब का निर्माण भी हो गया, जिसके बाद से बड़े तालाब का रूप देकर इसके बीच एक भव्य मंदिर बनवाया गया, जो जल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बीटीआर में अब आप कर सकेंगे विदेशी गैंडे का दीदार। वाल्मीकि नगर के जंगलों में टाइगर के साथ अब इस विदेशी मेहमान का देखने का मौका आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब तक इस वाल्मीकि नगर के टाइगर रिजर्व में टाइगर ही आपको आमतौर पर देखने को मिलते थे, लेकिन अब यहां पर विदेशी गैंडा भी देखने को मिलने वाले हैं। इसको लेकर टाइगर रिजर्व के निदेशक ने सारी जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि फिलहाल यहां पर 3 विदेशी गैंडा आ गए हैं। यह संख्या और बढ़ सकती है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों गैंडे नेपाल के चितवन जंगल से वाल्मीकि टाइगर के जंगल में आए हैं। इसमें 2 साल का एक गैंडे का बच्चा भी है। फिलहाल बच्चे को घेरा बनाकर रखा गया है, ताकि उसे दूसरे जानवरों से सुरक्षा प्रदान करवाया जा सके।
की आशंकाओं के बीच कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच बिहार में यह आशंका थी कि छठ के बाद संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन राहत की बात यह रही कि बिहार में मामले में कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल राज्य में संक्रमण काबू में दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इस बाबत उन्होंने कहा कि बिहार सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, लेकिन अब सरकार धीरे धीरे राहत की सांस ले रही है। फिलहाल राज्य में संक्रमण काबू में है। हालांकि पिछली बार की अगर बात करें तो त्योहारों के बाद बिहार में कोविड 19 के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार लोग राहत की सांस ले रहे हैं। अब आइए जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। सूबे में सर्द गर्म की लुका छिपी जारी है। रात का तापमान बढ़ने के कारण हवा के रुख में परिवर्तन बताया जा रहा है। आसमान पर बादल छाए रह रहे हैं, इसके कारण से बिहार के अधिकांश जिलों का तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री अधिक बताया जा रहा है। बिहार में लगातार 6 दिनों से आसमान पूरी तरह से साफ नहीं रह रहा है। आसमान पर हल्के बादल छाए रह रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह से फिर से ठंड अपना प्रभाव दिखाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक पछुआ हवाओं की सुस्त रफ्तार और मौसम शुष्क होने की वजह से पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी की वजह से बिहार के सभी हिस्से में तापमान 2-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल रही है। बिहार की इन ट्रेनों में अभी भी लगेगा अधिक किराया। हाल ही में रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये ऐलान किया था कि अब ट्रेनों का संचालन कोरोना से पहले वाले नंबर और नियमों के मुताबिक किया जाएगा, यानी कि किराया पहले की तरह ही सामान्य लगेगा, जिसके बाद से ही बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से चलने वाली पूर्व मध्य रेलवे के अधिक कार क्षेत्र की 148 मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों को अब सामान्य नंबर के साथ चलाए जाने लगा है। हैरानी की बात यह है कि अभी इस क्षेत्र की ढेरों ट्रेनों से स्पेशल का टैग नहीं हटा है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में बाढ़ से खराब हुई सड़कों का नए सिरे से होगा निर्माण। बिहार में हर साल बाढ़ की समस्या आती है, जिसके कारण बिहार में हर साल कई सड़कें भी खराब हो जाती है, जिसके बाद सड़कों के रखरखाव का जिम्मा आता है सरकार पर। इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बाढ़ की मार से बिहार की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके मरम्मत का काम अब होने वाला है, यानी कि अब बाढ़ के कारण खराब हो गई 4,045 ग्रामीण सड़कों के मरम्मत की जांच और इसके बाद सड़कों का चयन नए सिरे से निर्माण के लिए 25 नवंबर तक DPR बनाने के संबंधित इंजीनियरों को निर्देश दे दिया गया है। करीब 1,000 ग्रामीण सड़कों का DPR बन चुका है। चयनित सड़कों के निर्माण के लिए DPR बनाने के बाद निर्माण कार्य दिसंबर 2021 से शुरू होने की संभावना है। विभागीय अधिकारी और इंजीनियर बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का जायजा ले रहे हैं। गौरतलब है कि 17 अगस्त 2021 के बाद बाढ़ के से करीब 4,045 सड़कों के नुकसान होने की खबर सामने आई है। बिहार सरकार जल्द ही खरीदेगी 6 बुलेट प्रूफ SUV। बिहार में अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने नया फैसला लिया है, जिसके तहत अब Z+ सुरक्षा घेरा प्राप्त अति विशिष्ट लोगों को जल्द ही बुलेट प्रूफ SUV की सेवा मिलेगी। बिहार पुलिस इसकी खरीदारी करेगी। संबंधित प्रस्ताव को गृह विभाग ने हरी झंडी दे दी है। राशि भी मंजूर कर दी गई है। जल्द ही पुलिस मुख्यालय द्वारा गाड़ियों की खरीद को लेकर निविदा जारी की जाएगी। Z+ या स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप अधिनियम के तहत जिन VVIP सुरक्षा प्रदान की गई है, उनके लिए इस बुलेट प्रूफ SUV की खरीद होगी। बिहार के अलावा राज्य के बाहर से किसी Z+ सुरक्षा प्राप्त VIP के आने पर उनके लिए भी इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। गृह विभाग द्वारा दी गई मंजूरी के तहत एक गाड़ी की कीमत 60 लाख रुपए बताई गई है। फिलहाल आधा दर्जन गाड़ियों की खरीदारी होगी। राज्य के 500 से ज्यादा अंचल प्रभारी CO के भरोसे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हाल ही में अपने अधिकारियों से काम में तेजी और पारदर्शिता की उम्मीद जताई थी, लेकिन उनको प्रोन्नति देकर उत्साहित नहीं करना था। विभाग की इस अनदेखी के कारण लगभग एक दर्जन को छोड़ दे तो 500 से अधिक अंचल प्रभारी अंचल अधिकारियों के ही भरोसे हैं। आलम कुछ यूं है कि राजस्व सेवा के गठन के बाद से आज तक एक भी अधिकारी DCLR पद पर नहीं पहुंचे हैं। सभी 101 अनुमंडलों में इस पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही कार्यरत है। राजस्व अधिकारी में बहाल व्यक्ति को पहली प्रोन्नति के बाद अंचलाधिकारी पद पर तैनात करना है, लेकिन अब तक एक भी प्रोन्नति नहीं दी गई है। अगले महीने 15,000 मजदूरों को मिलेगा रोजगार। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और कोरोना काल के बाद बेरोजगारों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। हालांकि अब मामले कम हो गए हैं, ऐसे में बिहार सरकार इसी कोशिश में लगी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना के 15,000 मजदूरों की किस्मत अगले महीने से बदलने की तैयारी हो रही है, क्योंकि पटना के लगभग 15,000 मजदूरों को अगले महीने से रोजगार दिया जाएगा। मजदूरों को रोजगार देने के लिए जिले में 600 नई योजनाएं चयनित की गई हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायतों में चयनित जनप्रतिनिधि सहयोग करेंगे। की जानकारी के लिए आपको बता दें कि DM के निर्देश पर मनरेगा अधिकारियों ने पटना जिले की प्रत्येक पंचायत में 2 योजनाओं को चयनित करने का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य के अनुसार योजनाएं चयनित कर ली गई हैं। अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस बार 45,000 रोजगार दिवस का लक्ष्य रखा गया है। मौसम बदलते ही प्रवासी पक्षियों को रास आया पटना।
मौसम बदलने के साथ ही शहर में प्रवासी परिंदों का आना शुरू हो गया है। इन दिनों पटना सचिवालय स्थित राजधानी जलाशय में प्रवासी परिंदों की चहचहाट सुनाई दे रही है। बता दें कि इस दौरान हजारों की संख्या में पक्षी यहां विवरण करने के लिए आते रहे हैं। यह कोई पहली बार नहीं है, यहां हर साल ठंड के मौसम में हजारों की संख्या में पक्षी विभिन्न देशों से राजधानी जलाशय में पहुंचने लगते हैं। यहां पर प्रवासी पक्षी हिमालय को पार कर मध्य एवं उत्तरी एशिया और पूर्वी और उत्तरी यूरोप से आते हैं। इसमें साइबेरिया, अफगानिस्तान, लेह और लद्दाख, चीन, तिब्बत, जापान, रूस, ईरान, भूटान आदि देशों से पक्षी पटना पहुंचते हैं। इसके साथ ही राजधानी पटना के जलाशय में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया और फरवरी के अंत तक यह पक्षी मेहमान के रूप में यहां रहने वाले हैं। इधर पक्षियों के बिहार आने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जब तक राजधानी जलाशय में 19 प्रजातियों के पक्षियों को चिन्हित किया जा चुका है। नीतीश ने आयुर्वेद कॉलेज का किया निरीक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन राजधानी पटना स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज का दौरा कर उसका निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधा समेत कई समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कॉलेज में आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े जड़ी बूटियों के संग्रहालय का भी जायजा लिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयुर्वेदिक और यूनानी कॉलेज सुविधाओं के अभाव के कारण लगातार चर्चा में रहा है। केंद्र की तरफ से कई बार कॉलेज में नामांकन पर भी खतरा लटकता रहा है, जिसके बाद ही सीएम नीतीश ने यह निरीक्षण किया है। इतना ही नहीं, इस दौरान पटना आयुर्वेद कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजकीय तिब्बी कॉलेज भी पहुंचे। बिहारवासियों को नए साल में लग सकता है करंट। महंगाई की मार झेल रहे बिहारवासियों को अगले साल से बिजली का झटका लग सकता है, क्योंकि बिहार में बिजली और महंगी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बाबत ऊर्जा विभाग की होल्डिंग कंपनियों ने सरकार को बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया है। वहीं बीते दिन बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने भी इस ओर इशारा किया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हर साल बिजली का रेट बढ़ता है, कोयले का रेट भी बढ़ रहा है। बिजली की दरें सरकार नहीं बल्कि होल्डिंग कंपनियां बढ़ाती हैं। हालांकि सरकार सब्सिडी भी देती है। फिक्स्ड चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को दिया है, जिस पर सरकार को फैसला लेना है। स्वास्थ्य कर्मी सीखेंगे गुणवत्ता सुधार और बेहतर प्रबंधन के गुण। अब बिहार के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक के स्वास्थ्य कर्मी गुणवत्ता सुधार और बेहतर प्रबंधन के गुण सीखने वाले हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया के माध्यम से प्रशिक्षित किए जाने का निर्णय लिया है, जिसके बाद अगले 5 साल तक IIM बोधगया द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को समूह में आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 4D यानी कि डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, जिससे कि नेतृत्व क्षमता का विकास और मरीजों के साथ व्यवहार में परिवर्तन आएगा। बिहार में लग रहे हैं उद्योग धंधे। बिहार में उद्योग विभाग की जिम्मेदारी जब से मंत्री शाहनवाज हुसैन ने संभाली है, तब से ही बिहार की तस्वीर बदलने लगी है, क्योंकि बीते कई समय से बिहार में उद्योग धंधे लग रहे हैं। इतना ही नहीं, निवेशक भी बिहार आ रहे हैं। वहीं इसको लेकर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में टेक्सटाइल पॉलिसी हम लेकर आए हैं, इथेनॉल पॉलिसी हम लेकर आए, कोरोना काल में निवेश हासिल करने में बिहार सबसे आगे रहा है। 34,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोरोना काल में बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया। बिहार में एनडीए की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। सरकार से नाराज है बिहार के 20,000 से ज्यादा चौकीदार और दफादार। बिहार में इन दिनों सरकार शराबबंदी के मुद्दे पर चौतरफा घिरी थी, जिसके बाद ही सरकार ने शराबबंदी की समीक्षा के दौरान ये फैसला लिया कि अगर किसी इलाके में शराब की बरामदगी होती है तो थानेदार और चौकीदार दोनों पर कार्रवाई होगी। भले इस फैसले को सुनकर शराब पीने वालों से परेशान चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिली हो, लेकिन बिहार के 20,000 चौकीदार और दफादार नाराज चल रहे हैं। यही कारण है कि अब यह चौकीदार और दफादार इस फैसले पर सवाल उठाकर सरकार को अपनी एक मांग पत्र सौंपने वाले हैं, जिसमें मांग की जाएगी कि चौकीदारों पर इस तरीके की शर्त न थोपी जाए। अगर इसके बावजूद भी मांग नहीं मानी जाएगी तो सरकार को घेरने की तैयारी भी की जा रही है। दुल्हन के कमरों की छापेमारी का सीएम ने किया समर्थन। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए बिहार सरकार अब कोई भी मौका नहीं छोड़ने के मिजाज में है। यही कारण है कि बिहार के हर एक जिले में शादी के इस सीजन में जोर शोर से छापेमारी हो रही है। इस बीच बिहार पुलिस की इस जांच अभियान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी कमरों की तलाशी लेते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर ही जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश ने पुलिसकर्मियों का साथ दिया है और कहा कि पुलिस को जिम्मेदारी दे दी गई है, इसलिए वो सभी जगहों की जांच करने के लिए जा रहे हैं। हमने बैठक में स्पष्ट किया था कि वो एक एक चीज को देखेंगे, अब वही कर रहे हैं। प्रसाद ने की शराबबंदी हटाने की मांग। बिहार में शराबबंदी कितनी विफल साबित हुई है, इसका अंदाजा आप हर दिन अखबारों में छपी खबर और टीवी पर दिखाई जा रही वीडियो से समझ सकते हैं। लेकिन नीतीश सरकार फिर भी इसी जिद पर अड़ी है कि लोगों को सुधारना है ही। इसके कारण ही बिहार में जगह जगह जांच अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इन सबके बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में शराबबंदी कानून को रद्द करने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार के एक तरफ झारखंड, बंगाल और एक तरफ उत्तर प्रदेश
एक तरफ नेपाल है, हर तरफ बिहार में शराब आती है, शराब की तस्करी हो रही है, शराब की होम डिलीवरी बिहार में हो रही है, बिहार में नाम की शराबबंदी है। जमीन पर यह नीति कामयाब नहीं हो पाई। नीतीश शराबबंदी को हटाए या सोच विचार के साथ, प्लानिंग के साथ इसे लागू करे कि कैसे सफल होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत में 1983 में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत में 1983 में ही पहली साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता निराद सी चौधरी ने 1997 में अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे किए। G20 की बैठक 2002 में नई दिल्ली में शुरू हुई। भारत में जन्मे प्रसिद्ध बंगला और अंग्रेजी लेखक और विद्वान नीरद चंद्र चौधरी का जन्म 1897 में आज के दिन हुआ था। आध्यात्मिक गुरु साई बाबा का जन्म 1926 में आज के दिन हुआ था। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का निधन 1937 में आज के दिन हुआ था। टीम की जीत को लेकर रोहित शर्मा ने कही अपनी बात। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली। सीरीज के 3 मैच में भारत ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया, लेकिन इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। उसके बाद टीम के कप्तान बदलते ही उसकी किस्मत भी बदलनी शुरू हो गई है। नए कप्तान रोहित शर्मा और नए हेड कोच राहुल द्रविड़ के युग में टीम ने सीरीज में क्लीन स्वीप के साथ अपने युग की शुरुआत की है। इस बीच कप्तान रोहित ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप के बाद कैसे टीम इंडिया जीत की राह पर लौटी है। रोहित ने कहा कि हम टीम के अंदर स्वस्थ माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो खुश होकर मैदान में खेल सके। भी होगी भारी कमाई। अब ट्विटर आपको कमाई करने का मौका देने जा रहा है। ट्विटर ने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर जोड़ा है जो लोगों को कमाई करने में मदद करेगा। दरअसल विशेष रूप से iOS पर थोड़े समय के लिए उपलब्ध होने के बाद ट्विटर ने अपने टिप्स फंक्शन को एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध करवाया है। सभी उपयोगकर्ता के पास अब ट्विटर टिप्स तक पहुंच सकते हैं जो उन्हें क्रिप्टो करेंसी सहित पेमेंट प्राप्त करने की अनुमति देता है। ट्विटर प्रोफाइल पेज पर टिप्स सिंबल फॉलो बटन के ठीक बगल में है। ट्विटर यूजर अपने पेमेंट प्रोफाइल को टिप्स फीचर के जरिए लिंक कर सकते हैं। बैंक बैंडकैप, कैश ऐप, चिपर, पेट्रियन, रिच रपे, वेल्थ सिंपल, कैश और वेनमो पेमेंट को सपोर्ट करने वाली सर्विसेज में शामिल है। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,150 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,480 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, बबीता यादव, भारत प्रसाद, सुगीबल कराकट, नन्नू कुमार, रघुनाथ प्रसाद, बबीता यादव, शंकर मुखिया, भोला कुमार, सुभाष कुमार सिंह, अभिजीत कृष्णा, शशि भूषण, अटल कुमार, अजीमा फिरदौस, पीके सिंह, जयप्रकाश यादव, सुरेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पर्यटन के लिहाज से बिहार का कौन सा जिला सबसे ज्यादा विकसित है। अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।